आज हम बनाएंगे ताजी हरी मटर के बहुत ही टेस्टी और करारे डोसे, जिसके लिए ना मैंने दही का यूज़ किया है और ना ही कोई इनो वगैरह का यूज़ किया है। फिर भी हमारे डोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और बहुत ज़्यादा कुरकुरे भी बने थे। आप आवाज़ सुन सकते हो कितना कुरकुरा डोसा बना है फ्रेंड। और इतना आसान तरीका है फ्रेंड कि ज़्यादा इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है। फटाफट बस पीस लीजिए हरी मटर को और ये डोसे बना डालिए। और उसके साथ हमने नारियल की चटपटी चटनी भी बनाई है, गर्मा गर्म। वाकई फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मटर लिया है, आप एक कटोरी सेट कर लें, उसी से सभी चीज़ें डालें तो आपका डोसा बहुत परफेक्ट बनेगा। ये चावल है, मैंने गर्म पानी में इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आपको चावल भिगोने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आप पीसिए मटर को और बना डालिए ये डोसे। मैंने हरे मिर्च और अदरक का टुकड़ा और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल के इसे महीन सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कलर भी आया है मटर डालने की वजह से। और हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको घोल थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और नमक को अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर देना है। जब नमक हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें, जिसमें हमारा डोसा बढ़िया फ्लफी बने। और बैटर को अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में थोड़ी देर, बस 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। फिर 1 चम्मच तेल हम तावे में डाल देंगे और तेल को फैला देंगे। उसके बाद टिश्यू पेपर से सारा तेल हम पोंछ देंगे, जिसमें ज़्यादा ऑयली हमारा डोसा ना बने। और तावा थोड़ा कम गर्म हो तभी आप 2 चम्मच बैटर डाल के और अच्छी तरीके से इसे फैला दें। देखिए कितनी आसानी से हमारा बैटर फैल रहा है। अगर इस तरीके से आप डोसा बनाएंगे तो आपका हर डोसा परफेक्ट बनेगा। सूजी वगैरह डाला जाता है लेकिन सूजी से उतना अच्छा बनता नहीं है फ्रेंड डोसा। फिर थोड़ा सा डोसा हमारा सूख जाए तो थोड़ा सा तेल लगा देंगे हल्का हल्का किनारों पे। अब देखिए हमारा डोसा पक चुका है, तो थोड़ा सा मैंने ये सेजवान सॉस डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, आप चाहें तो आलू का मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों को तो ऐसे ही करारा डोसा हमारे बहुत पसंद आता है फ्रेंड नारियल की चटनी के साथ। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा डोसा निकल गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए गर्मा गर्म डोसा हमारा बन चुका है। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और हम बना लेते हैं नारियल। और भुने चने मैंने लिए हैं और लाल मिर्च ली है सूखी वाली। भुने चने की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, नारियल की चटनी में अगर आप भुने चने डाल दें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी चटनी। थोड़ा सा खट्टेपन के लिए मैंने इमली के टुकड़े डाले हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और पानी डाल के हम चटनी अपनी पीस लेंगे। आपको जैसी गाढ़ी पतली चटनी पसंद हो उस तरीके की चटनी बना लें। उसके बाद राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची का तड़का लगा दिया है मैंने। ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म करारा डोसा तैयार है। एक डोसा मैंने और बना लिया है, उसे भी प्लेट में रख देंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसमें नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। और सर्दियों में ये गर्मा गर्म मटर के डोसे ज़रूर बना के खाएं। थैंक यू।